अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ छावनी में ठेकेदार के जरिए रखे गए कर्मचारियों के मानदेय में पिछले कुछ महीने से लगातार अवैध कटौती की शिकायत की जा रही है। इसके विरोध में अब कर्मियों ने आंदोलन का भी ऐलान किया। बता दें कि छावनी क्षेत्र में 700 से अधिक कर्मचारी मानदेय पर रखे गए हैं। वे विभिन्न जगहों पर काम करते हैं। अब इन कर्मचारियों के मानदेय से की जाने वाली अवैध कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की छावनी परिषद मेरठ शाखा और छावनी परिषद कर्मचारी यूनियन ने मिलकर विरोध का ऐलान किया। दोनों संयुक्त रूप से 17 जून से छावनी परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यह निर्णय गुरुवार को हुई दोनों यूनियन की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश चौहान ने की और संचालन जिला महामंत्री अजय महेंद्र सिंह ने किया। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्कफोर्स सॉल्यूशन के ठेकेदार ने जनवरी माह में लगभग 700 कर्मचारियों के मानदेय से 2500 रुपए प्रति कर्मचारी अवैध कटौती कर ली थी। इसका विरोध लगातार किया जाता रहा है। इसी कारण 4 महीने से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था। छावनी परिषद मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों से वेतन से की जाने वाली अवैध कटौती पर इनकार के बाद संबंधित ठेकेदार को 1 माह के वेतन का चेक दिया गया था, लेकिन आरोप है कि फर्म के ठेकेदार ने एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती करके न सिर्फ छावनी परिषद प्रशासन को बल्कि छावनी परिषद के अध्यक्ष के समक्ष दिए आश्वासन को भी तोड़ दिया है। इसके खिलाफ दोनों संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार बैचिन। दिसंबर माह में वर्क फोर्स सॉल्यूशन जिसके संचालक मयंक चौधरी है, उन्हें कैंट बोर्ड ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ठेका दिया था। ठेके के दौरान जब कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो मयंक चौधरी ने खाली स्टाम्प पेपर और कर्मचारियों को साइन कराए। अगर कर्मचारियों ने विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया। उस स्टाम्प पेपर बाद में उन्होंने ये लिख लिया कि कर्मचारी प्रति माह 1500 महीना उनकी समस्या को डोनेशन के रूप में देगा। 700 कर्मचारी 1500 महीना अपने मालिक को क्यों देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। ये बात हमने कैंट बोर्ड के उस समय सीओ थे नवेंद्र नाजी उनसे और बड़े बाबू जयपाल तोमर से बताई तो उन्होंने पूरी तरह हाथ उठा दिए। उनसे ज्ञात हुआ है कि ये मयंक चौधरी जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ये उनका बहुत खास आदमी है, इसीलिए इसे छेड़ना जो है बेकार है। पहले वेतन में मयंक चौधरी जी ने 2400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की कटौती कर्मचारियों के वेतन से कर ली। कर्मचारियों ने परेशान होकर चिट्ठी लिखी सीओ साहब को, यूनियन को चिट्ठी लिखी, यूनियन ने लिखा पढ़ी शुरू की तो उस पर जो है यूनियन वालों को ये कहा गया सर आप जो है शांति रखिए, ये मामला निमट जाएगा। 4 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, मामला लेबर कोर्ट तक पहुँच गया। उसके बाद अब पिछले दिनों 7 तारीख को बोर्ड मीटिंग में उसने तय किया कि मैं जो है अब कोई कटौती नहीं करूँगा, मुझे पैसे दिया जाए, मैं कर्मचारियों को वेतन दे देता हूँ। तो 1 माह का चेक उसे दिया गया, लेकिन उसने उस चेक को लेने के बाद भी कर्मचारी वेतन से कटौती कर ली। और उसका साफ कहना है कि मैं सरकार का आदमी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ के सांसद, यहाँ के MLA, यहाँ के सारे प्रतिनिधि पदाधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जब यूनियन के लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ सदर बाजार में मुकदमा दर्ज करा दिया और ASP ने यह कहा कि अगर तुमने जरा भी चूल चप्पड़ी जेल में डाल दो, मेरे पर ऊपर से मेरे पर दबाव है इस सब चीज़ों का। हमारी मांग यह है कि तत्काल ही कर्मचारियों के वेतन से काटी की धनराशि वापस दिलाई जाए और गलत तरीके से एफिडेविट बनवाकर दबाव बनाकर जो इन्होंने कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसका ठेका तत्काल निरस्त किया जाए और इसकी कॉल डिटेल की जांच कराकर जो भी जनप्रतिनिधि इसकी मदद कर रहे हैं या कैंट बोर्ड के कुछ लोग इसकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी CBI जांच की जाए। ये हमारी मांग है।